Good morning classes. Today we will start your economics classes. In earlier classes you have studied three subjects: history, civics and geography. Now one more subject is added to your syllabus, that is economics. क्लियर? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कि इकोनॉमिक्स क्या है. क्लियर? फर्स्ट हम जानते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किनको कहते हैं, एडम स्मिथ को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी की है. इन्होंने बुक भी लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस. क्लियर? नेक्स्ट हम बात अगर करेंगे मदर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो कौन है, स्कैर्सिटी. स्कैर्सिटी मदर है इकोनॉमिक्स की. इसको जानने से पहले जान लेते हैं स्कैर्सिटी क्या है. स्कैर्सिटी को हम डिफाइन करेंगे किसके, क्या होता है स्कैर्सिटी, किसी चीज़ की कमी होना, मेनली रिसोर्सेज की कमी होना, संसाधन की कमी होना. क्योंकि आप जानते हो कि आपकी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हमारे पास साधन होते हैं, सपोज आपको पॉकेट मनी मिलती है, क्लियर, लिमिटेड अमाउंट मिलता है पॉकेट मनी का. क्लियर? अब आपकी इच्छाएं तो बहुत है कि आपको बहुत सारा सामान चाहिए, लेकिन आपके पास जो पॉकेट मनी है वो कितनी है, लिमिटेड है. तो इसी के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, स्कैर्सिटी. इट मींस कि आपके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड मनी है, और आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है. तो इन्हीं इसी के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्कैर्सिटी कहते हैं. अब हम बात करेंगे अब स्कैर्सिटी का इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है, ये मदर क्यों है. अब इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम यही स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे करें. अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कैसे हैं, बहुत कम हैं, ठीक है, और हमारे पास हमारी वॉन्ट कैसी है, बहुत ज़्यादा है. तो इस वजह से हम इसमें यही स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में कि आप अपनी कम रिसोर्सेज के होते हुए अपनी जो हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं उनको हम कैसे पूरा करें. अब आपका जो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट विलेज पालमपुर के बारे में. पहले मैं बता दूं बेटा विलेज पालमपुर क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है विलेज. क्लियर? ये कैसा विलेज है, वैसे ही माना गया विलेज है, नाम दे दिया पालमपुर, कोई पालमपुर गाँव नहीं रियल में एग्जिस्ट करता है. यहाँ पर क्या है, फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है, जैसे हर गांव में होती है फार्मिंग मेन एक्टिविटी, यहाँ पर भी फार्मिंग क्या है, मेन एक्टिविटी होती है. ये एक बहुत अच्छा विलेज है, अच्छे से कनेक्टेड है, आसपास में गांव है और एक शहर भी है, अच्छा शहर है आसपास में ही रायगंज, जो यहाँ से बहुत ही कम दूरी पर है. इस गांव में अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑल वेदर ऑल पर्पस रोड भी है, ऑल वेदर रोड भी है, जिसको हम पक्की सड़क कहते हैं. इस सड़क पर हम कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देख सकते हैं, जैसे बल्क कार्ट हो गया, जीप हो गया, टोंगाज हो गया, मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक, ये सब इस रोड पर चलते हैं. विलेज में दो प्राइमरी और एक हाई स्कूल है. यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पर सबकी सेहत का ध्यान रखा जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर कोई भी आवश्यकता पड़ने पर कोई अपनी दवाई वगैरह लेने जा सकता है. इस फैमिली में, इस गांव में करीबन 450 फैमिलीज़ रहती हैं. उनमें से 80 फैमिली जो है वो अपर कास्ट फैमिली हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है. लैंड ज़्यादा किसके पास है, अपर कास्ट के पास. और जो आपकी शेड्यूल कास्ट है वो आपकी कितनी है, वो टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है, बहुत ही कम हिस्सा जो है, मैं बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है आपका वो किसका, कौन सा है, शेड्यूल कास्ट का. लेकिन उनके पास लैंड कैसी है बेटा, बहुत ही कम. अधिकतर जो गांव यहाँ पर घर हैं विलेजेस के, उनमें क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है. कैसा कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है, बिजली की फैसिलिटीज़ भी है. यहाँ पर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, अब विलेज है इसमें फार्मिंग के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग का काम, मतलब कुछ सामान बनाने का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, शॉपकीपिंग या फिर फार्मिंग जो है वो आपकी मेन यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी है इस विलेज की. क्लियर? अब हमने ये जान लिया कि विलेज की क्या फैसिलिटीज़ है, क्या आपकी कैसा विलेज है. अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में किया पता किया है. यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है. अब सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन एक ऐसा साधन है जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, कुछ अपने इनपुट्स को मिलाते हैं, कुछ इनपुट्स को मिला करके क्या करते हैं, हम एक
फिनिश्ड गुड या एक आउटपुट हम तैयार करते हैं। क्लियर, कुछ ऐसी चीज़ मतलब बनाते हैं हम जिसको हम कंज्यूम कर सकें, जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। इट इज़ द मेथड विच कैन बी डिफाइंड एज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में बदलने का जो साधन होता है वो कौन सा क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन होता है। ये क्या करता है, ये किसी भी कॉमोडिटी की यूटिलिटी को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल एक लकड़ी है, पीसेज ऑफ वुड है, पीसेज ऑफ वुड से पीसेज ऑफ वुड की जो यूटिलिटी है, जो उसकी नीड्स को पूरी करने की जो कैपेसिटी है वो कम है, उससे हम ज़्यादा नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, अपनी ज़्यादा आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते उन लकड़ी के टुकड़ों से। लेकिन अगर हम उन पीसेज ऑफ वुड से एक हम क्या बना लें, टेबल बना लें और चेयर बना लें, तो हमारी नीड्स को ज़्यादा पूरा कर सकता है, ज़्यादा क्वांटिटी में पूरा कर सकता है। तो ये क्या है हमारा, आपका प्रोडक्शन ही होता है। इट मीन्स ये हमारे किसको इंक्रीज कर रहा है, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कि उसकी इच्छा, जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है कमोडिटी की, उसको पूरा करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है। वांट को पूरा करने की कैपेसिटी यूटिलिटी है। यूटिलिटी को कौन इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, जो हम इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में, वही हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हमारे यहाँ पर बेटा मेन फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट है लैंड। लैंड क्या है बेटा, एक नेचुरल सोर्सेज है, जैसे वाटर है या फॉरेस्ट मिनरल है, ये हमारे सबसे पहले रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस में। दूसरा है लेबर, सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेबर आप जानते हैं वो जिन व्यक्तियों से हम काम कराते हैं, जो अपना पूरा एफर्ट, अपनी एबिलिटी या अपनी स्किल्स किसी भी काम को करने में डालते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, लेबर। मेनली द पर्सन हु विल डू वर्क, वो कौन है बेटा, लेबर। नेक्स्ट है आपका फिजिकल कैपिटल। थर्ड कौन सा है, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो है आपका कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल का मतलब जानते हैं, कैपिटल कुछ भी चीज़ जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मशीन है, मशीन से हम और ज़्यादा मशीन खरीद करके हम और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, या एक मशीन से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा एक सामान को कई बार हम बना सकते हैं। क्लियर, मशीन की हेल्प से। मनी है, जितना ज़्यादा मनी लगाएंगे हम उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कैपिटल का मतलब कुछ भी ऐसा सामान जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन या आगे प्रोडक्शन करने में मदद करता है, वो आपका कैपिटल होता है, जैसे मशीन और मनी। दो टाइप के फिजिकल कैपिटल होते हैं बेटा, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो हमने एक बार ले लिया और उसको कई सालों तक इस्तेमाल किया, जैसे मशीन है, हर दिन नहीं खरीदते, टूल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या है आपके, फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ये ऐसे के वो होते हैं बेटा, जो हम डे टू डे ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, कैश इन हैंड है। क्लियर, अब फोर्थ आता है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हमारा फोर्थ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये ह्यूमन कैपिटल ही है। ये एक तरीके से कोई पर्सन नहीं होता, एक तरीके से क्या होता है बेटा, एक एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स कि जो हमारे लेबर होते हैं उसमें कुछ पर्सन एजुकेटेड होते हैं, नॉलेज होती है, स्किल होती है, तो वो क्या करते हैं, वो जो बाकी जो तीन हैं ये आपके फिजिकल कैपिटल, लेबर और लैंड, इनको मेंटेन करते हैं। तो मेन क्या है, ह्यूमन कैपिटल, एक वो पर्सन होता है जो इन सब को क्या करता है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास स्किल होती है, नॉलेज होती है, एजुकेशन होती है, और जो सब इन सब को जो आपके अदर थ्री फैक्टर्स हैं उनको एक साथ इस्तेमाल करने में योग्य हो, वो होता है आपका ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म होता है सिर्फ ये वाला। इसका जो फर्दर आगे जो टॉपिक होगा हम वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, आप क्या करेंगे, ये नोट्स पढ़ेंगे अच्छे से और इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे।